फरीदाबाद में ड्रग इंस्पेक्टर बनकर कार्रवाई करने के नाम पर मेडिकल स्टोरों से पैसा ऐंठने वाले 6 सदस्यों की नकली गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने आप को चंडीगढ़ से ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बताकर इस गिरोह ने कई मेडिकल स्टोरों को अपना निशाना बनाया और पैसे ऐंठने का काम किया, जिसका खुलासा सेक्टर 3 के ढिल्लो मेडिकल स्टोर के मालिक ने किया है। इस गिरोह में 6 सदस्य हैं, जिनमें एक नकली पत्रकार भी शामिल है। इस गिरोह के 5 सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और एक सदस्य अभी भी गिरफ्त से बाहर है। दरअसल ये सभी नकली ड्रग इंस्पेक्टर बनकर सेक्टर 3 ढिल्लो मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और दवाइयों से संबंधित बात करने लगे और फिर कार्रवाई करने की धमकी देनी शुरू कर दी। इस गिरोह के साथ एक नकली पत्रकार ने भी फिर पैसे की मांग की और साहब से मिलने की बात की, जिस पर मेडिकल स्टोर मालिक को शक हुआ और उसने पुलिस को शिकायत कर दी, जिस पर पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक 6 लोगों का एक फ्रॉड मतलब जो ग्रुप है, इधर उधर से दाएं से बाएं से इन्फॉर्मेशन यही मिली है हम सब लोगों की। हम सब एसोसिएशन मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे को इन लोगों का नोटिस में है। गैलान साहब ने बिल्कुल उनके भी नोटिस में दिया गया है और उनके नोटिस में भी है और हमारे एसोसिएशन के भी नोटिस में, और इधर उधर से जो सीनियर मोस्ट ओरिजिनल पत्रकार हैं, भगवान भला करे उनका, कि उनसे बात होने पे सरदार जी की मतलब जो है पिक्चर हमारे को क्लियर हुई कि इज NIT से है, इंद्रजीत है, टिपिकल फ्रॉड है, ये सब मतलब 6 लड़कों का एक ग्रुप है और ये फ्रॉड करते हैं। और इन्होंने सेक्टर 7 में भी मतलब मेडिकल स्टोर्स के ऊपर इस टाइप का माहौल क्रिएट किया और वहां पे भी मतलब जो है इनका एक ही देह है कि मुकदमा दर्ज हुआ है और ये पैसा हटते हैं। सीधी सीधी बात है, इनका टारगेट तपती हुई धूप में 2 बजे पसीना पसीना होने का पर्पज कुछ और नहीं है, सिर्फ पैसा मतलब डिमांड करते खुली, ठीक है, जो डिमांड मतलब की गई वहाँ पे। साथ में आपने मीडिया कवरेज कराई थी, मीडिया भी हमारे साथ में, उन्होंने इनका पूरा कवरेज किया। कौन सा चैनल थे आपके साथ में? हमारे साथ में वॉइस ऑफ पब्लिक न्यूज था और बस एक पांच पत्रकार बता रहे हैं। सिर्फ एक पत्रकार था। टोटल कितने थे आपके साथ? कितने हम एक्टिविस्ट थे, फार्मासिस्ट थे, हम सारे 3 फार्मासिस्ट थे, एक पेशेंट था, एक शिकायत करता था और एक मीडिया वाला, एक मीडिया वाला था जिसको ऑब्जर्व करे, उसके साथ एक मीडिया वाला होता। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? हाँ जी। अभी पोस्टिंग आपकी पोस्टिंग कहाँ पर? मैं गवर्नमेंट एस हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट। अध्याय पार्ट 2 में बिंदु नंबर पॉइंट नंबर 6.4 जिसमें क्लियर भारत सरकार ने अधिकार दिए हैं किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को कि वे किसी भी भ्रष्ट बेईमान और गलत फार्मासिस्ट का और फार्मेसी का भांडाफोड़ कर सकता है जन स्वास्थ्य को देखते हुए। रंजीत सिंह मार्केट है सेक्टर 3 बल्लभगढ़ के सामने, और उसमें एक ढिल्लो मेडिकल स्टोर है, उसका मालिक जगजीत सिंह है। उसके यहाँ पे कुछ ड्रग इंस्पेक्टर और पत्रकार, अपने आप पे वो पत्रकार बता रहे थे और ड्रग इंस्पेक्टर, एक चंडीगढ़ की टीम बताकर उन्होंने उसका लाइसेंस वगैरह चेक किए और उनसे पैसे की मांग की। उसमें ड्रग इंस्पेक्टर कोई नहीं था, एक ESI हॉस्पिटल का दीपक त्रिपाठी नाम का फार्मेसिस्ट है और बाकी 2 और जो चंडीगढ़ के बता रहे वो भी फार्मेसिस्ट हैं और 2 इसमें पत्रकार बता रहे हैं अपने आप को।